खूबसूरत पाकिस्तान का एक और हसीन सियाहती मकाम पाया मेडोज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया राफे और शोग्रान में दूसरा दिन है। इस वक्त जो है खूबसूरत सुबह है और ख़ूबसूरत एक मौसम है, ठंडा ठंडा मज़े का मौसम है। धूप भी इस वक्त निकल आई है और यकीन करें इस वक्त शिद्दत से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि धूप जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है इंसान के लिए, क्योंकि रात में भी अच्छी खासी ठंड हो गई थी और कोई टेम्परेचर 2 से 3 तक गिर गया था, तो रात में अच्छा जो है वो सर्दी का मज़ा आया। इस वक्त हम जाएंगे, सफ़र है हमारा सिरीपाय की तरफ, तो जीप हमने करा ली है, तैयारी हमारी मुकम्मल है, वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ किस तरह का माहौल है, क्या सीन है और क्या क्या है वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप मेरे साथ रहिए, तो फिर हो जाए। पाया मेडोज पे इस वक्त पहुंच चुकी हूं और मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा है और फुल जो है वो धूप निकली हुई है, तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसका बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये मैं आपको दिखाती हूं, मेरे पीछे आप ये दरख्त देख सकते हैं, ये पूरे और ये एक पीछे पहाड़ है जो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, फुल लश किस्म की ग्रीनरी है और ख़ूबसूरत मनाजिर है। रास्ते का थोड़ा सा अगर बताऊं तो ट्रैक जो है वो जीप ट्रैक है, तो जैसा ट्रैक होता है जीप का वैसे ही है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई ख़तरनाक नहीं है, आप आराम से यहाँ आ सकते हैं। और वैसे भी ये कहते हैं कि जितना रास्ता थोड़ा ख़तरनाक होता है तो मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है। तो पाया मेडोज एक अच्छी जगह है, एक अच्छा स्पॉट है जहाँ पर आप आ सकते हैं। जो कुदरती मनाजिर हैं, जो ये खूबसूरत और कुदरत के शाहकारों से भरा हुआ पाकिस्तान है, ये है मेरा पाकिस्तान और ऐसा है मेरा पाकिस्तान। और इस खूबसूरत पाकिस्तान को देखने के लिए आप आइए और इसको एंजॉय कीजिए। मैं तो कहूँगी ज़रूर आइए और इन जगहों को करीब से देखिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी तौफीक दी कि आप यहाँ तक, बल्कि इस वक्त मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी तौफीक दी और इतनी हिम्मत दी कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। और ये सारे कुदरती मनाजिर जो कि हसीन और ख़ूबसूरत मनाजिर हैं, इन सब को अपनी आँखों से देख सकूँ।
वो खूबसूरत मनाजिर और ये कुछ असरात हैं बर्फ़बारी के। थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी हुई आपको नज़र आ रही होगी क्योंकि अक्टूबर का महीना है और मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है, तो यहाँ पे इस साल की पहली बर्फ़बारी जो है वो हो चुकी है। खूबसूरत और हसीन मनाजिर। ये ट्रैक है पाया मेडोज़ तक जाने के लिए और हम इस ट्रैक पे चल रहे हैं। ये जो मज़ा है यहाँ पे चलने का, चारों तरफ पहाड़, धूप भी निकली हुई है, हल्की हल्की ठंडक का एहसास भी है। ये इतना खूबसूरत और इतना एक अच्छा एहसास है कि जो बयान नहीं किया जा सकता। सुभान अल्लाह, बेख्तियार मुँह से निकलता है ये तमाम मनाजिर देखकर। सुकून और बहुत ही सुकून। ये देखें, ओहो खूबसूरत, सुभान अल्लाह, कुदरत के खूबसूरत मनाजिर। ये ट्रैक है छोटा सा, यहाँ तक आप वॉक करके भी आ सकते हैं और यहाँ पर घोड़े भी मौजूद हैं अगर आप चाहें। अगर आप थक गए हों और आपके चलने का मूड ना हो, ट्रैकिंग का मूड ना हो, तो फिर आप घोड़े भी ले सकते हैं। लेकिन हमने मुनासिब समझा कि थोड़ी सी अपने आप को ज़हमत दी जाए और ये ट्रैक खुद किया जाए ताकि यहाँ के एक एक लम्हे को हम इन्जॉय कर सकें और एक एक लम्हे का मज़ा ले सकें। ये देखें, सुभान अल्लाह, और ये सामने बर्फ से ढका हुआ पहाड़। ओए होए, सुभान अल्लाह, बेइंतहा हसीन और बेइंतहा खूबसूरत। तो ये पाया मेडोज़ का वो तालाब है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ तक लोग आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ी देर स्टे करते हैं। और ये जो पीछे आप एक पहाड़ देख रहे हैं जो बर्फ़ से ढका हुआ है, ये मकड़ा पीक है और यहाँ तक ट्रैकिंग है, ट्रैक करके जाते हैं आप। इसके अलावा घोड़ों के ज़रिए भी जा सकते हैं, यहाँ पे घोड़े अवेलेबल हैं, जो आपकी चॉइस हो वो आप कर सकते हैं। ये खूबसूरत जगह है पाया मेडोज़, और मैं तो कहूँगी कि यहाँ ज़रूर आइए और इस खूबसूरती को, ये जो कुदरती मनाजिर हैं जो अल्लाह ताला ने इस जगह को इतना खूबसूरत बनाया है, इसको एंजॉय कीजिए। मैं यहाँ थोड़ी देर रुकूंगी और रुक के ये तमाम जो खूबसूरती है इसको कोशिश करूंगी कि अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करूं, क्योंकि यकीन कीजिए कि जब हम यहाँ से वापस जाते हैं तो ये यादें भी हमें तरोताज़ा कर देती हैं। और अक्सर तो ये जगह हमारे ख्वाबों में भी आती हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा खूबसूरती की अगर मैं बात करूं तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ में खूबसूरती रखी है, चाहे वो समंदर हो,
पहाड़ हो, दरिया हो, जंगलात हो, चश्मे हो, कुछ भी, अल्लाह ताला की हर चीज़ में खूबसूरती मौजूद है और उसमें कुदरत का एक मैसेज होता है हमारे लिए। तो थोड़ी देर मेरा इरादा है कि मैं यहाँ रुकूंगी, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस वक्त, धूप भी निकली हुई है, तो यहाँ रुक के इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूँगी, ताकि मैं जब यहाँ से वापस जाऊँ तो मेरे साथ खूबसूरत यादें हों।